दोस्तों गेमिंग कौन नहीं करना चाहता, सबको गेमिंग करनी है, पर हाई एंड पीसी चाहिए, कहां से लाएं, बहुत महंगे हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग करनी हो तो भी हाई एंड पीसी चाहिए और वो भी बहुत महंगे आते हैं। पर अगर मैं आपको बताऊं कि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पीसी बिल्ड करना सिखाने वाला हूं जो 10,000 रुपए से कम की कीमत में आप खुद से अपने घर पर अपने आप बना पाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहां से इसके पार्ट्स लेने हैं वो भी बताऊंगा, कैसे असेंबल करना है, भले ही आपको टेक्निकल नॉलेज हो या ना हो फिर भी आप ये खुद से कर पाएंगे जैसे कोई पजल असेंबल करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना हाई एंड गेमिंग पीसी खुद से बिल्ड कर पाएंगे। मैं आपको गेम भी खेल के दिखाऊंगा। सबका फेवरेट गेम कौन सा होता है? GTA 5 ना, तो काफी हैवी गेम है, वो गेम मैं आपको खेल के दिखाऊंगा। सभी खेलना चाहते हैं GTA 5, तो आप इस पीसी में वो गेम खेल पाएंगे लाइव आज इस वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो ये है टोटल सामान जिससे हम i5 एक पीसी बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी मदरबोर्ड है जो एक H61 मदरबोर्ड है और ये किसी भी प्रोसेसर को, चाहे वो i3 हो, i7 हो या i5 हो, थर्ड जनरेशन तक सपोर्ट करती है। इसमें आपको दो रैम के लिए पोर्ट मिल जाते हैं, साथ में आप इसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी आपको पोर्ट दिया गया है। 4 SATA पोर्ट मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर आप SMPS लगाएंगे, इसकी जो पावर केबल है वो लगाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 6 USB पोर्ट मिल जाते हैं जिसमें कि आपको 3.0 और 2.0 दोनों ही तरह के पोर्ट देखने को मिलते हैं। VGA का पोर्ट मिला हुआ है यहाँ पर और साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें HDMI पोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पर LAN पोर्ट मिल जाता है और आपको ये ऑडियो और माइक के लिए भी यहाँ पर पोर्ट देखने को मिल जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं साथ में आपको ये केबल तो मिलती है। तो ये तो था हमारा मदरबोर्ड। मैंने यहाँ पर 4 GB की 2 रैम ली है क्योंकि मुझे 8 GB की रैम इंस्टॉल करनी है। आप इसमें 16 GB की भी रैम इंस्टॉल कर सकते हैं, फिलहाल मेरा काम 8 GB से चल जाएगा तो मैंने ये 8 GB की 4 GB की 2 रैम ले ली है। इसके अलावा मैंने इसमें एक SSD यूज़ की है जो कि 128 GB की है और ये मुझे अप्रॉक्स 900 रुपये के आसपास मिली है। और एक अच्छी बात यह कि सब में मुझे वारंटी अच्छी खासी मिली है, 3 साल की वारंटी मिली है। तो मैं इनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें, बाय करना चाहें तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और मैं जो प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ वो है इंटेल का i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर, ये हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। और प्रोसेसर के साथ आपको यहाँ पर एक प्रोसेसर का फ़ैन मिला है, अभी जब इसको असेंबल करेंगे तो मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। साथ में मैंने जो SMPS लिया है ये 450 वाट का SMPS है और ये अप्रॉक्स 500 रुपये का मुझे मिला है। तो ये सारा आपका जितना भी कंटेंट है ये अभी हम लोग असेंबल करेंगे और अपना PC बिल्ड करेंगे। कैबिनेट हम अपनी पुरानी वाली दोनों में से कोई एक यूज़ कर लेंगे जिसका पावर बटन सही से काम करेगा, हम लोग उसी को यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे। तो बाहर से भले ही पुराने लगे पर अंदर से पूरी तरह से नया होगा। अभी फिलहाल मैं ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो टाइम से मेरे पास पहुँच नहीं पाया। अभी जितने मैंने कंपोनेंट आपको बताया वो 7 से 8 हज़ार रुपये की कीमत के टोटल बन रहे हैं, असेंबल हम खुद कर लेंगे। और 2 GB का ग्राफिक कार्ड है उसकी कीमत लगभग 2,200 रुपये के आसपास आपको पड़ जाएगा, नीचे लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां देख सकते हैं, ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो वो भी अगर आप मिला लेंगे तो भी 9,500 के आसपास आपको टोटल ये पीसी पड़ने वाला है, ये CPU पड़ने वाला है, आप उसको भी मंगा लीजिए, आप और बेहतर गेमिंग कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको जो आज गेम खेल के दिखाने वाला हूं बिना ग्राफिक कार्ड के भी चल जाएगा, तो अगर आप और सस्ते में बिल्ड करना चाह रहे हैं तो बिना ग्राफिक कार्ड के भी यूज कर सकते हैं, बाद में अपना ग्राफिक कार्ड जब आपके पास बजट हो तब ऐड कर लीजिएगा। जल्दी से सभी को अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं सामने कि ये कैसे दिख रहे हैं और इसके बाद इनको बिना कुछ बोले हुए जल्दी से असेंबल कर लेंगे। मुझे पता है आप सब बहुत टैलेंटेड हैं, आप देख के ही सब कुछ समझ जाएंगे। फिर भी अगर मन में कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं डिटेल में आपका कमेंट आपका रिप्लाई जो भी आपके मन में कह रही होगी वो ज़रूर दूंगा। तो ये सारी चीज़ों को अनबॉक्स कर लेते हैं और उसके बाद फटाक से इसको मदरबोर्ड में सेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना प्रोसेसर का जो केस है उसे हटा लें और यहाँ पर अपना प्रोसेसर फिट कर दें और बाकी की चीज़ें आप समझदार हैं, देखते जाइए और जल्दी से समझते जाइए।
मदरबोर्ड को इस खांचे में अच्छे से फिट करने के बाद आपको इसको जितने भी चारों कोने के नट बोल्ट हैं इसको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि मदरबोर्ड लूज़ ना रहे, क्योंकि हम जब इसमें कंपोनेंट लगाएंगे मॉनिटर या अदर चीज़ें तो ये हिल सकती है। तो अच्छे से टाइट कर दीजिए। आप सोच रहे हो नीचे मैंने ये फोम क्यों रखा है, ताकि कोई भी मदरबोर्ड का कंपोनेंट बॉडी से टच होकर के शॉर्ट ना हो जाए। अपनी मदरबोर्ड में ध्यान से देख लीजिए कि पावर और रीसेट का पैनल कहाँ है, सॉकेट कहाँ है, उन्हीं पिनों में आपको इसको सेट करना है। ध्यान से करिएगा, गलत जगह बिल्कुल मत करिएगा। तो ये हमारा मदरबोर्ड और SMPS सेट हो गया है। अब हमें सारे कनेक्शन के जो पॉइंट हैं उन्हें फिक्स कर लेना है। ये बहुत आसान है, आपको ये पावर वाले में फ़िक्स कर देना है। आप खांचा आराम से मिला लीजिएगा। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पावर वाली केबल होती है इसको आपको वहाँ जो मोस्टली है फ़ैन के बगल में होता है इसका सॉकेट, वहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। और बस बचा आपके हार्ड डिस्क के लिए, तो हार्ड डिस्क निकाल लीजिए। मैंने SSD ली है तो SSD को भी यहाँ नट बोल्ट से फिक्स कर दीजिए और इसका जो पावर वाला केबल है वो भी लगा दीजिए और SATA केबल भी इसमें लगा दीजिए। तो ये हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं, SSD को भी फिक्स कर दिया है और बस अब आपकी जो कैबिनेट है वो ऑन होने के लिए रेडी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो पावर वाला बटन है वो काम नहीं कर रहा, तो मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाने से पहले अगर काम नहीं करेगा तो मैं इसकी कैबिनेट चेंज कर दूंगा यही सारा प्रोसेस करके, और फिर मैं आपको विंडोज़ इसमें इंस्टॉल करके आगे कैसा वर्क करता है वो दिखाऊंगा। यहां तक पहुंच गए ना वीडियो में, वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा, वीडियो लाइक जरूर करिएगा और हाँ वीडियो खत्म होने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। तो पिछले वाले की कैबिनेट काम नहीं कर रही थी तो हमने ये नई कैबिनेट में सारा सिस्टम फिक्स कर दिया है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये हमारा CPU जो है ये ऑन भी हो चुका है। मैंने इसमें विंडोज भी इंस्टॉल कर ली है, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड सब अपनी जगह पर फिक्स है और बहुत मस्त बहुत फास्ट स्पीड में ये वर्क कर रहा है। तो चलिए अब आपको इसका स्पेसिफिकेशन भी दिखाते हैं। तो ये देखिए आपका नया जो आपने सिस्टम असेंबल किया है उसका सुपर फास्ट स्पेसिफिकेशन, 8GB की रैम है जिसमें कि 3.41 आपको यूजेबल है, बाकी सिस्टम यूज़ कर रहा है, और i5 जो थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है वो यहाँ पर चल रहा है और ये एक मस्त सिस्टम आपने खुद से तैयार कर लिया। और ये चल रहा है आपका फेवरेट गेम GTA 5 आपके इस लेटेस्ट नए PC में बिना किसी लैग के साथ। ये देख रहे हैं कोई लैग नहीं, कितने आराम से गेम चल रहा है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई भी फंस नहीं रहा गेम, कहीं लैग नहीं हो रहा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप अपने इस नए गेमिंग PC में ये GTA 5 खेल रहे हैं। तो दोस्तों बना लिया ना आपने अपना परफेक्ट गेमिंग PC, वो भी बहुत कम बजट में। वीडियो पसंद जरूर आया होगा, काम जरूर आया होगा आपके, तो लाइक करिए, दबा के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और भी मजेदार वीडियो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगे। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।